आलू की खेती में खेत की तैयारी से हमारा मतलब खेत की सफाई, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करना, मिट्टी का उपचार करना, खेत को समतल करने जैसे सभी कामों से है। चूंकि आलू के कंद मिट्टी के अंदर होते हैं, इसलिए मिट्टी का पूरी तरह से भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जुताई करते हैं, उसके बाद गोबर छिड़काते हैं, उसके बाद नाला बना के उसके बाद काट के लगा देते थे। उतना मालूम नहीं था कि बड़ा चटनी। आलू की परंपरागत खेती में बस थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है। आलू की खेत की जुताई हमें कम से कम 4 बार करनी चाहिए। अच्छा होगा कि हर जुताई के बीच में 2 से 3 दिन का अंतर हो। अगर संभव हो तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। जुताई के दौरान खेत में से लकड़ी, पत्थर, पिछली फसल की बचे हुए जड़, घास, खरपतवार इत्यादि को निकालकर खेत को बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। अगर खेत समतल नहीं हो तो उसे समतल कर लेना चाहिए। जुताई के बाद खेत में पाटा चलाकर मिट्टी भुरभुरा कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर खेत में पर्याप्त नमी नहीं हो तो जुताई से पहले पलेवा करके उसकी जुताई करनी चाहिए। आलू की खेत में ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद या नाडेप कंपोस्ट डालना चाहिए, क्योंकि आलू के उपज पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अंतिम जुताई से पहले 20 डेसिमल खेत के लिए लगभग 20 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद लें और इसमें 200 ग्राम पूसा हाइड्रोजल मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को पूरे खेत में छिड़क कर फिर खेत की जुताई करें, जिससे कि यह मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाए। झारखंड के मौसम और मिट्टी को देखते हुए खेत में हाइड्रोजल का प्रयोग बहुत जरूरी है। हाइड्रोजल मिट्टी में नीचे रहकर पानी को अपने में सोख कर रखता है और जब खेत में पानी की कमी हो जाती है तो आलू की जड़ों को वो पानी या नमी प्रदान करता है। इसका फायदा ये होता है कि किसान को फसल की कम सिंचाई करनी पड़ती है। अंतिम जुताई के बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर देना चाहिए। आलू की खेती में मेड़ बनाने का चलन शुरू से ही है। तैयार खेत में कुदाली की मदद से 1.5 फीट की दूरी पर नालियां क्यारी के आकार के अनुसार बना लें। नालियों की लंबाई भी 8 या 10 फीट से ज्यादा न रखें, नहीं तो इसकी सिंचाई करने में दिक्कत होगी। मेड़ पर बनी हुई गहरी नालियों को एक लेवल में रखना चाहिए, जिससे सिंचाई का पानी पूरे खेत में एक समान पहुंचे। 20 डेसिमल के खेत में बीज लगाने से पहले 1 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद में 3 किलो पोटास और 3 किलो जिंक मिलाकर नालियों पर जहां बीज लगाना है डालें। इसके बाद उसे 2 दिनों के लिए छोड़ दें। तुरंत बीज लगाने से पौधा खराब होने का डर होता है। जिंक और पोटास के प्रयोग से न केवल आलू के पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ता है, बल्कि इससे इसका उत्पादन भी बढ़ता है। समझौता न करने वाली बातें। खेत की मिट्टी भुरभुरी होने तक जुताई करें। हर जुताई के बीच 2 से 3 दिन का अंतर रखें। आखिरी जुताई से पहले 20 डेसिमल खेत के लिए लगभग 20 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में डालें और अंत में खेत को पाटा चलाकर समतल कर दें। खेत की तैयारी के बाद जैविक खाद में जिंक और पोटाश एक उचित मात्रा में मिलाकर उपयोग करना बहुत जरूरी है। इससे आलू की उपज अच्छी होती है।